जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौज स्टडी ग्रुप पे। आज हम बात करने वाले हैं एसएसबी में ट्रेड्समैन की 1522 वैकेंसी आई हुई थी, उन्हीं से रिलेटेड बात करने वाले हैं। क्योंकि आपके जो फिजिकल होने वाले थे एकदम तैयार थे, लेकिन अभी क्या सिचुएशन है, आपके फिजिकल होंगे या नहीं होंगे, या होंगे तो कब तक होने के चांसेस है, वो इस वीडियो में आपकी डिटेल से बात हम करने वाले हैं। क्योंकि काफ़ी बच्चे इसको लेकर सेंसिटिव हैं, क्योंकि पीछे भी काफ़ी टाइम से इनके जो फिजिकल है वो नहीं हो पाए थे, और अभी भी कहीं ना कहीं आउटब्रेक लगा हुआ है इनके फिजिकल को लेकर। असमंजस बना हुआ है, क्योंकि पहले भी देखा जाए तो कोविड की वजह से हो गया था, और अभी भी बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होने वाली हैं। क्योंकि मुझे पता है कि क्या आपके इस भर्ती प्रक्रिया में चल रही है, तो मैं इस वीडियो में आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि आपके फिजिकल कब होने वाले हैं, क्या आपको तैयारी करते रहना चाहिए, अगर होगा तो सेंटर कहाँ कहाँ होंगे, बहुत सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हम ऐसे ही वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मैं पहले आपको बता दूं कि आपकी जो वैकेंसी थी 1522 वैकेंसी थी, और अलग अलग ट्रेड्स में ये वैकेंसी आई थी, उसमें ड्राइवर की भी थी, बैठने की भी थी, या दूसरी तरह की भी वैकेंसी थी काफ़ी। उस चीज़ पे हम नहीं जाना चाहते कि उसमें हाइट कितनी थी, उसमें रनिंग कितनी थी, या दूसरी तरह की फिजिकल एक्टिविटी क्या होने वाली थी, कैसे क्या होने वाला था। क्योंकि ढेरों वीडियो अभी तक पड़ी हुई है यूट्यूब पर, आप सब उसके लिए अवेयर हो गए होंगे कि हमारा क्या होने वाला है। आप भी सोच रहे होंगे कि यार डायरेक्ट बताइए कि फिजिकल कब होगा। तो देखिए, पहले भी जो बात निकल के आ रही थी वो चल रही थी आपकी नवंबर दिसंबर के आसपास आपके होने के चांसेस थे, कि आपके जो फिजिकल हैं वो नवंबर या दिसंबर में 2021 में होने के पूरे चांसेस थे कि आपके फिजिकल हो जाएं। लेकिन फिर क्या हुआ, एक इसके ही पैरेलल एक भर्ती चल रही थी हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की, उसकी भी चल रही थी, उसके पैरेलल एक और चल रही थी डिपार्टमेंट LDCE डिपार्टमेंट लिमिटेड एग्जामिनेशन की, जो कांस्टेबल से SI बनते हैं उनकी भी वैकेंसी चल रही थी। उसके साथ साथ आपकी जो फिजिकल कराने की तैयारी थी ड्राइवर वाली, क्योंकि काफ़ी टाइम से पेंडिंग पड़ी हुई थी, उसको लेकर जो चल रहे थे सरगना चल रही थी कि भाई आपके जो एग्ज़ाम है, जो फिजिकल है, वो रैपिडली फायर कर दें और इस भर्ती को पूरी करने के चांसेस थे। अभी क्या हुआ है, अभी आपकी जो भर्ती प्रक्रिया उस पर एक आउटब्रेक लग गया है। क्यों लग गया? पहला रीज़न ये है कि आपके जो मिनिस्टर वाली थी उसकी फाइनल निकाल दी है, फाइनल सब कुछ हो गया है, आपके ओनली ज्वाइनिंग आने बाकी है। जो हेड कांस्टेबल मिनिस्टर वाले बंदे थे उसकी प्रक्रिया को ज़्यादा तेज़ी से निकाल रहे, क्योंकि उसके बैक टू बैक एक वैकेंसी और आई हुई थी मिनिस्टर की, जो अभी ऑनगोइंग है, 115 के आसपास पोस्टें हैं, आई थिंक सो 115 हैं, तो उसकी भी वैकेंसी की तैयारी चल रही थी। अब अचानक सडनली क्या हुआ कि आपको पता है कि 5 राज्यों के चुनाव अभी होने सुनिश्चित हो गए हैं। कहाँ कहाँ पर हैं? आपके मणिपुर में है, गोवा में है, उत्तराखंड में, पंजाब में और उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर SSB की काफ़ी कंपनियाँ इसमें डिप्लॉयड हो रखी हैं, सारी इंगेजमेंट है उनकी, तो वहाँ पर भी मैन पावर की ज़रूरत है। आपके भी जो फिजिकल है उनको कंडक्ट कराने के लिए भी मैन पावर की ज़रूरत होगी। उसके साथ साथ एक सबसे बड़ा जो रीज़न है आपकी जो भर्ती प्रक्रिया है उसको हैम्पर करने का, कि आपके जो कोरोना काल से अभी पहले जूझ रहे थे, अब फिर वो पीक पर चलने वाला है, और उसमें सभी को गाइडलाइन MHA की तरफ से भी सर्कुलेट कर दी गई हैं कि भाई जो भी आपका कार्यालय स्टाफ है वो 50% आएगा। उसके साथ साथ कोई भी ऐसी गैदरिंग नहीं होगी जिससे कि इस कोरोना को बढ़ने में और मदद मिले, तो उसकी गाइडलाइन को फॉलो करते कोई भी रिस्क नहीं लेगा आपके फिजिकल को एक्टिविटी को अंजाम देने के लिए। अगर इसके पैरेलल में एक चीज़ और बताऊं कि जो भी एग्जाम होंगे उसमें काफ़ी बच्चे इन्वॉल्व होने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो भर्ती है ट्रेड्समैन की उसमें काफ़ी बच्चों ने फॉर्म भरा है, बहुत बच्चे हैं। जब आप फिजिकल देने जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने बच्चे वहां पर आने वाले हैं, और उसका डाटा मैं भी आपको जल्दी एक वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि कितने बच्चों ने इसमें अप्लाई किया है, आपका कंपटीशन लेवल कहां तक है, और किस लेवल का आपको कंपटीशन इसमें देखने को मिलने वाला है। देखिए, आपके जो फिजिकल होंगे तो वहाँ पर आप अपने घरों से आएंगे, ट्रैवल करके आएंगे, और जो कर्मचारी आपकी इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए मैन पावर चाहिए, जो SSB के कार्मिक होंगे, उनको रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि आप इतने सीधे नहीं होंगे कि उन्होंने बोला यहाँ बैठ जाओ तो बैठ जाओगे। बहुत सारे बच्चे सीधे होते हैं, अच्छे होते हैं, अच्छे परवरिश से होती है, लेकिन कुछ इतने कंट्रोल करने के बाद भी नहीं मानेंगे, कोई इधर उधर दूंगा। हमने खुद भर्ती देखी है कि किस तरह से बच्चे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो उनको मैनेज करना, और तुम्हारी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, सामने वाली को रिस्क में क्यों डालना। तो अभी की न्यूज़ यही है कि आपके जो वैकेंसी थी ट्रेड्समैन वाली 1522 की, उसकी डेट और आगे बढ़ा दी है। अभी टिल फर्दर ऑर्डर, मतलब अगले आदेश तक कोई भी इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको गुमराह करता है कि जनवरी में हो जाएंगे, मार्च में हो जाएंगे, फरवरी में हो जाएंगे, तो वो सरासर आपको गुमराह कर रहा है। अभी टिल फर्दर ऑर्डर, कोई भी अगले आदेश तक आपकी फिजिकल से रिलेटेड कोई भी जानकारी अभी तक तो नहीं है।
देखिए जो चुनाव होने वाले हैं उसमें भी सख्त गाइडलाइन आ गई है कि कोई भी आउट बैरिंग नहीं जाएगा, कोई भी अपने कैंपस को छोड़कर बाहर नहीं जाएगा, पब्लिक गैदरिंग नहीं करेगा, किसी से कोई मिलना नहीं। आप ड्यूटी करने जा रहे हैं क्योंकि आप पांच बंदे हैं, पांच बंदे ही एक जगह रह रहे हैं, तो बाहर नहीं जाना, किसी के साथ कॉन्टैक्ट नहीं करना है, जब तक हो सके उतना अपना प्रिकॉशन लेना है। तो अभी रिसेंटली आपके साथ यही न्यूज है कि आपके जो एग्जाम है, पहले तो मार्च अप्रैल तक तो भूल जाइए, मार्च अप्रैल तक तो नहीं होने वाले हैं क्योंकि इलेक्शन भी होने वाले हैं, इलेक्शन में बहुत ज़्यादा मैन पावर आपकी इंगेज हो रही है, एसएसबी की इंगेजमेंट बहुत ज़्यादा है और उसके साथ साथ दूसरी भी इंगेजमेंट हैं, तो अभी मार्च अप्रैल तक तो आपके कुछ नहीं होने वाले। जैसे ही आपका इलेक्शन हो जाता है और पीक थोड़ा सा कम हो जाती है तो कह सकते हैं कि आपके चांसेस हैं। तो चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि मैं कोई भी अपडेट होगी ट्रेड्समैन से रिलेटेड, मैं ट्रेड्समैन की पूरी वैकेंसी को कवर कर रहा हूँ, जो भी न्यूज होगी, जो भी अपडेट होगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी या कुछ भी आपको इस भर्ती से रिलेटेड होगा, मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करूँगा। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। यही था आज के वीडियो में, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।